हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो द वाइज ईयर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगेन वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरा एक जेट प्लांट की कटिंग लेकर आई थी। वैसे मैंने जेट प्लांट्स वाटर में भी ग्रो किया, उसका अपडेट भी दिया था। जेट प्लांट मेरे हैंगिंग में भी लगा है। जेट प्लांट जैसे कि ये जेट प्लांट मेरे हैंगिंग में लगा है, यानी वर्टिकल गार्डन में लगा है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। उसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और ये मदर एक जेट प्लांट है, बहुत ओल्ड, ये भी अच्छा चल रहा है। तो आज मैं जल्दी से इसका सॉइल मिक्स बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो ये मेरे पास एक चाय की केतली थी, तो मैं इसी में लगा रही हूँ। थोड़ा सा डेकोरेशन के हिसाब से अच्छा हो जाएगा। तो फिर अभी मैं इसमें नॉर्मल सॉइल मिक्स करके इसकी कटिंग इसके अंदर लगा देती हूँ। इसकी एक्स्ट्रा जो लीव्स है ना, इन सबको रिमूव कर दूंगी एक बार। तो इसकी जो भी एक्स्ट्रा लीव्स है, एक बार मैं उनको रिमूव कर देती हूँ। मेरी जो भी कटिंग्स है इसका, बाकी मैं इसको ऐसे कैसे रखूंगी, ये ऐसे अच्छा लगेगा। तो मैं इसकी सॉइल मिक्स कर देती हूँ जल्दी से। मैंने इसमें मिट्टी ऐड की और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करूँगी और इस कटिंग को एलोवेरा के साथ इसमें ऐसे ही लगा देंगे इजीली। बट मैं एलोवेरा कट करके लेकर आऊँ। ये एलोवेरा कट करके लेकर आई। जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का, लाइक सकुलेंट तो नहीं कह सकते, बट इसकी जो लीव्स आती है इसमें पानी स्टोर होता है। तो और एक कोशुला का जेट प्लांट और ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका बहुत बड़ा महत्व वगैरह है। तो अच्छे से जेट इसमें एलोवेरा जेल लगाया, उसको पानी में वैसे कैसे ऐड कर देंगे। थोड़ी सी और मिट्टी ऐड करेंगे इसमें। अब मैंने इसको ऐड कर दिया, अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। 1 वीक के बाद इसमें रूट्स आती हैं या नहीं मैं आपको दिखाती हूँ। और जो बाकी वाली कटिंग्स है ना, मैं उसको ऐसे ही नॉर्मल पॉट में साइड में लगा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा कटिंग्स हो गई अब तो। और ये जो कटिंग्स है ना बेबी वाली, इनको मैं दूसरे मिट्टी में लगा दूंगी।